हेलो गाइस, आज की वीडियो पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो पे आपको एक बहुत ही अच्छा जानकारी मिलने वाले है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम एक ऐसा ट्रिक्स दिखाएंगे जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से आपकी घर की जो छतरी है वो आप उस छतरी को सेट कर सकते हो। किसी भी डिश एंटेना को आप बहुत आसानी के साथ सेट कर सकते हो। आपको किसी तरह के कोई मीटर वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना ही तो आपको खर्चा आएगा। सिर्फ आपकी मोबाइल से ही आप आपकी डिश एंटेना को किसी भी सी-बैंड क्यू-बैंड किसी भी सैटेलाइट को आप ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से आपकी पूरी सिग्नल को आप सेट कर पाएंगे। हल्की भी सिग्नल आ रही है आपकी एरिया पे तो आप उसी सैटेलाइट को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हो। ये एक डिजिटल मीटर की तरह ही ये वर्क करेगा। तो ये बहुत आसान एक तरीका है। मेरे बताए हुए सभी ट्रिक्स को एक के बाद एक फॉलो करते जाना है। तो अगर अब एक बार इस ट्रिक्स को आप यूज़ कर लिया तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगी कैसे यह करता है। बहुत आसान तरीका। इस सिग्नल मैं छत पे मेरी मोबाइल पे देख सकता हूँ। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ लाइव, ये आप देख सकते हो, ये आप शायद क्लियरली देख पा रहे हो। ये देखो, यहाँ पे मैं बैठ के सिग्नल देख रहा हूँ और ये आप देख सकते हो सिग्नल अप डाउन हो रही है। किसी खर्चे के इससे बेहतर ट्रिक्स अभी भी नहीं है। आज की डेट पे दोस्तों, सबके घर पे बहुत सारी मोबाइल सेट है। तो अगर आपके पास दो मोबाइल सेट है तो आप इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए और एक नॉर्मल सा फ़ोन भी जहाँ पे आपको इंटरनेट चलते हैं, ब्राउज़र ओपन होते हैं, उस तरह की मोबाइल होगी आपके पास तो ये काम हो जाएगी। चलिए एक बार देख लेते हैं, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगी कैसे ये सब वर्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए ये ट्रिक्स तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार कोई दोस्त देख रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, हमने यहाँ पे दो मोबाइल ले लिए हैं तो आपको भी इस तरह से दो मोबाइल आपको यूज़ करना होगा। एक मोबाइल पे आपको पहले एक ऐप्स इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐप्स का नाम मैं दिखाता हूँ, IPOF कैमरा। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए। ओके, यहाँ पे आप लिखिए IPOF कैमरा। तो इसके टच करते ही यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने ये ऐप्स को आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया तो ओपन दिखा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपकी मोबाइल पे इंटरनेट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट को आपको ऑन कर देना है, और दूसरे जो मोबाइल है यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इस वाईफाई को ऑन करके रखा तो वो कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ऐप्स के अंदर आने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगी तो आपको बिल्कुल नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप स्टार्ट सर्वर नाम का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टार्ट सर्वर, यहाँ पे आपको टच कर देना है। तो टच करते ही यहाँ पे आपको आप देखेंगे यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे ये एक्शन का ऑप्शन रहेगा, एक्शन। इस ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे नीचे ये आप देख सकते हैं शेयर आईपी यहाँ पे आप टच कर दीजिएगा। करते ही यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा जो आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप मैसेज के थ्रू आप सेंड कर सकते हो दूसरे मोबाइल पे। ओके, अगर आप चाहे तो इसको खुद ही आपकी मोबाइल पे या ब्राउज़र पे टाइप करना तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया, और ये टाइप करना होगा आपको जो वो यहाँ पे शो हो रही है 19268। ओके, इस तरह की ये जो पूरी कोड है, इस कोड को, इस पूरी आईपी एड्रेस को आपको यहाँ पे दूसरे मोबाइल पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम ये ब्राउज़र पे आ गए हैं, इस मोबाइल पे हम ब्राउज़र पे आ गए हैं, और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो दोनों मोबाइल एक ही नेट पे कनेक्ट होना चाहिए। ओके, इस मोबाइल का हॉटस्पॉट और इस मोबाइल का वाईफाई के थ्रू ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है जो आईपी एड्रेस यहाँ पर शो हो रही है 19। तो जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ओके, आपको भी इस तरह के देखने को मिलेगा, एक बार टाइप करने के बाद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम टच कर देते हैं, तो टच करते ही इस तरह के एक पेज यहाँ पे आ गए हैं। ओके, आपको भी इस तरह से एक पेज आपको देखने को मिलेगा, ये पेज आप देख सकते हो, इस तरह के एक पेज मिलेगा। ओके, पेज पे जब आप ब्राउज़र ऑप्शन पे टच करेंगे, ये पेज के अंदर नो वीडियो फ्लैश ब्राउज़र जावा इस तरह का ऑप्शन रहेगा। ब्राउज़र पे टच करेंगे तो यहाँ पे भी आपको या जूम भी कर सकते हो। ओके, इस तरह की ऑप्शन मिलेगी। तो इस मोबाइल की कैमरा तो ऑन पहले से है, तो इस मोबाइल पे जो आ रहा है वो इस ब्राउज़र
कि जो पेज यहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरे सेटअप बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट है, टीवी यहाँ पे ऑन है। तो मैं जब इस मोबाइल को कैमरा पे यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखिए वहाँ पे शो हो रही है, इस मोबाइल पे आप देखिए आ गए हैं। ओके, इस मोबाइल की कैमरा ये आप देख सकते हैं, इस मोबाइल की कैमरा के थ्रू टीवी स्क्रीन पे जो टीपी सिग्नल है वो कैच हो रही है और दूसरे मोबाइल पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई कनेक्शन वगैरह वायर वगैरह नहीं है, सिर्फ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। ओके, यहाँ पे इंटरनेट भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर हम इस मोबाइल को इस टीवी के सामने यहाँ पे हम सेट कर दिए और दूसरे जो मोबाइल है वो मोबाइल वो लेके हम छत पे चले जाए तो सिग्नल देख के हम बहुत आसानी से एंटेना को सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल एंड आसान तरीका है। गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे तो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार कोई दोस्तों देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू मेरे वीडियो एंड तक देख